देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। डायरेक्ट वेरिएशन में तुम्हें इसको निकालना है, ठीक है? तो बच्चों एक हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्ट वेरिएशन का, एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू, ठीक है? एक्स वन क्या है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, एक्स थ्री, वैसे ही वाई वन वाई टू वाई थ्री। चलो हम ये सॉल्व करते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इक्वल टू 1.1। इसको मैं ए ले लूं बच्चों, तो मैं डिवाइडेड बाय ए, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जो है डेसिमल एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? 15 वन ज़ 15, 15 3 ज़ 45, ठीक है? चलो क्या आया तुम्हारे पास, 1/3 इक्वल टू 1.1 अपॉन ए, ए इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 1.1, ये 3 बेटा इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट। देखो कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये डेसिमल है, अभी तुम इस डेसिमल को भूल जाओ, 11 × 3 33, ठीक? एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.3, ठीक है? चलो अब आ जाओ तुम इस पार्ट पे, इसको तुम मान लो बी, ठीक है? तो अब हम देखते हैं फिर से, ऐसे ही कर लो तुम। वन पॉइंट फाइव अपॉन 4.5 इक्वल टू बी अपॉन 11.04, ठीक है बच्चों? ये हमने भी देखा है ना, ये कितना था 1/3 अभी देखा था, ठीक? तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11.04 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू b, ठीक है? चलो डिवाइड करते हैं, कैसे 11.04 को तो कैसे डिवाइड करोगे, देखो 3 3 ज़ार 9, ठीक है? कितना बचा 2, ठीक? अगला क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, ये डेसिमल ऊपर ले जाओ, ठीक है? 0 है, 0 नीचे लाओ, 3 6 ज़ार 18, कितना आया 2, फिर नीचे 4 लाओ, 3 8 ज़ार 24, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 3. b = 3.68, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो b = 3.68, ठीक है? डेसिमल से डरो मत कि डेसिमल वाला है तो कैसे होगा, है ना? और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बच्चों एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं डरना, पढ़ना बहुत अच्छे से, लेकिन अगर डरोगे नहीं तो जो चीज़ नहीं भी आती होगी वो भी कर लोगे, ठीक? नंबरों से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता, कोई नहीं पूछता आपके 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 8th में कितने मार्क्स थे, ठीक है? बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है, तुम्हें आनी चाहिए बस हर चीज़, ठीक? उसके लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, सही है? मुझे सब बच्चे अपने मार्क्स बताएंगे जिनके एग्ज़ाम्स हैं अब, ठीक है? अब आ जाओ तुम इसके ये वाले पार्ट पे, इसको तुम हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लो, ठीक है? चलो अब कैसे निकालोगे, 1.5 अपॉन 4.5 इक्वल टू सी अपॉन 15.63। देखो ये अभी देखा, ये 3 है ना, 1/3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15.63 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? ये ऊपर आ जाएगा ना इधर, ठीक है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे करना है डिवाइड, 3 5 ज़ार 15, 15 पूरा चला गया, डेसिमल है, डेसिमल लगाओ, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.21, ठीक है? अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पर, डी की वैल्यू निकालते हैं। 1.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू बताओ 10.11 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है? ऊपर वाला ऊपर रखो, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ये अभी देखा तुमने, 3 आया था स्टार्टिंग में, है ना? डी को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में यही तो होता है। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करो, क्या करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूलते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। अब डेसिमल लगाओ, 1 2, दो प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 2, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ, तो तुम्हारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30.33। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
इसको कभी ऐसे नहीं रीड करना, 30.33 डेसिमल के बाद सारे नंबर्स अलग अलग रीड करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छे से करना, मुझे अपने नंबर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशंस।